Good morning to all. My name is Himani sir. I am a faculty of School of Computer Science of Uttarakhand Open University. Today we will discuss the topic of OSI model in computer network. कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे कि हम मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजते हैं या एक एप्लीकेशन का मैसेज दूसरे एप्लीकेशन में भेजते हैं, तो वो किस तरीके से हमें मैसेज इंस्टाग्राम का मैसेज इंस्टाग्राम में ही रिसीव होता है और व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप में ही रिसीव होता है, उसकी फंक्शनिंग देखेंगे। ये सब OSI मॉडल के थ्रू ही होता है। इसमें हमारी OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जिसमें होती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जैसे ये फिगर में देखा है, पहली लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। OSI मॉडल की जितनी लेयर्स हैं, ईच लेयर की फंक्शनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी को हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेटवर्क ए में एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है। पर्सन ए टर्मिनल यूज कर रहा है, टर्मिनल बोल सकते हैं या हम इसे मशीन बोल सकते हैं। और नेटवर्क बी में एक पर्सन वाई है जो कंप्यूटर या टर्मिनल यूज कर रहा है। तो नेटवर्क ए वाला पर्सन इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो किसके थ्रू कर रहा है, मैसेज के थ्रू इसको कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जैसे हम मैसेज भेजते हैं ना, सपोज व्हाट्सएप में, अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो जो मैसेज भेजते हैं वो कैसे पहुंच रहा है आपके पास, तो उसी का हम एक बेसिक देखेंगे किस तरीके से आपका मैसेज जो व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में ही पहुंचता है, या इंस्टाग्राम का मैसेज आपको इंस्टाग्राम में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जीमेल में मैसेज भेज रहे हैं, आपको व्हाट्सएप में रिसीव हो रहा है, राइट। तो नेटवर्क ए में ये किस तरीके से होता है, आपके टर्मिनल में आपने एक प्रोसेस ओपन करी, सपोज आपने व्हाट्सएप ओपन करा, तो ये क्या है आपका पोर्ट, टर्मिनल से गया आपका पोर्ट, पोर्ट से मैसेज आया। अब ये मैसेज आपकी जो प्रोसेस आपने यूज करी है, इससे आपकी नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क में जाएगा। नेटवर्क से जो ये नेटवर्क होते हैं डिफरेंट राउटर से कनेक्टेड होते हैं, राउटर रिसीव करेगा, चेक करेगा कि ये कौन से किसका डेस्टिनेशन मैसेज है, तो ये नेटवर्क में सर्च करेगा कि इस मैसेज का कौन डेस्टिनेशन है, वहां भेजेगा, उस टर्मिनल में आएगा, टर्मिनल से उस पोर्ट में आएगा। तो ये सब चीज हमें फॉलो करने के लिए हमें एक OSI मॉडल का रिक्वायरमेंट हुआ। OSI मॉडल क्या है हमारा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI is stand for Open System Interconnection Model, which is developed by ISO in the year of 1983. OSI क्या है? ये एक set of protocols कह सकते हैं या एक standard है, जो क्या decide करेगा? क्योंकि जो हमारा communication होता है, वो globally होता है। तो जिसने decide करा एक standard कि इस अगर हमें ये rules follow करने पड़ेंगे for communication। OSI हमारा 7 layer architecture है, जिसमें क्या है हमारी 7 layers है और each layer की functionality क्या है हमारी different functionality है। Top में हमारा होता है application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer। और यही चीज क्या होती है हमारी receiver end में, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and then application। अब देखिए जो ये 7 लेयर होती है, इसका काम हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे पहले होती है, अगर हम सेंडर साइड से देखेंगे तो जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है वो लेयर 1 हमारा फर्स्ट लेयर का काम करती है। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। सपोज जैसे कि हम जो विकिपीडिया में या वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो हम जैसे कुछ भी सर्च करना होता है वेब इंजन में, विकिपीडिया ओपन करते हैं या हम कुछ भी जीमेल करते हैं, तो ये ऐप के थ्रू हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड इंटरफेस टू द एंड यूजर, ठीक है। देन आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि हमारा हम
हमारा डेटा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो। सपोज सेंडर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और जो रिसीवर है वो हमारा क्या जानता है, कोई अदर लैंग्वेज जानता है। तो प्रेजेंटेशन क्या करती है, कोड कन्वर्जन का करेगी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करेगी और कंप्रेशन का काम करेगी। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम स्टैंडर्ड साइड हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने मैसेज को सिक्योर करना होता है। आजकल जो साइबर सिक्योरिटी हमारा मेन मेजर फैक्टर है, हम मैसेज को कोडेड फॉर्म में भेजेंगे। सपोज जैसे सब हमने अपना नाम, एक नाम लिखा राम, तो इंक्रिप्शन में क्या होगा, जो एक्चुअल मैसेज है वो राम फॉर्म में ना होके इसका इसके जो अल्फाबेट्स है उसको हम किसी भी फॉर्मेट में इंटरचेंज कर देंगे। सपोज आर को यहाँ, एम को यहाँ, ए को उसकी फिक्स पोजिशन में, तो एक्चुअल मैसेज क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। ये इंक्रिप्शन होगी और जो रिसीवर होगा उसे पता होगा कि हमारा मैसेज क्या है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है वो वायर या वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा, सिक्योर होगा, और जो रिसीवर क्या होगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा। ये काम किसका होता है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। देन आता है आपका कंप्रेस। कंप्रेस क्या होता है,